हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका वेलकम करता हूँ मेरे चैनल में। आज हम लोग देखेंगे कि जेक्वेरी का जो एजेक्स टेक्निक है उसके थ्रू कोई भी पर्टिकुलर रो हम लोग कैसे डिलीट करते हैं, ठीक है, डेटाबेस से। तो यहाँ पे मेरे पास कुछ डेटा रिकॉर्ड्स दिख रहा होगा आपको, ठीक है। तो ये 180 वाला जो रिकॉर्ड है वो मैं डिलीट करता हूँ। तो पहले आपको टेबल दिखा देता हूँ। ये मेरे डेटाबेस का नाम है, ये स्टूडेंट टेबल है, और मैं इसको ब्राउज करता हूँ यहाँ पर। तो कुछ रिकॉर्ड्स आपको दिख रहे होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो 180 है उसको हम लोग डिलीट करेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, 180 बता रहा है कि 180 पे आपने क्लिक किया है। ओके करता हूँ, आर यू श्योर वांट टू डिलीट दिस रो, ओके, ठीक है। 180 चला गया है, देख लेते हैं। 180 के बाद 182 था, 181 नहीं है, तो मैं इसको ब्राउज करता हूँ, ठीक है। तो अब 182 डिलीट करता हूँ, उसके बाद 184 भी है, तो मैं इसको 182 को डिलीट करता हूँ, ओके, 182, ठीक है, ओके, 182 डिलीट हो गया है, ओके। तो हम लोग बैकएंड में आके कोड देख लेते हैं एक बार। तो ये मेरा index.php है, जो कि पूरा का पूरा टेबल इसके अंदर है, और एक दूसरी फाइल भी delete.php, जो कि बैकएंड से मेरा जो डेटा डिलीट करना है उसका काम कौन करेगा, यहाँ से जो डेटा डिलीट हो रहा है उसका काम करेगा delete.php। तो delete.php पे हम लोग पहुँचेंगे कैसे, तो वो यहाँ पर हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे मैंने कनेक्शन सेट कर लिया है, ये टेबल मैंने लिया है। टेबल के अंदर TD हेड वगैरह आप देख रहे होंगे। ज़्यादा मैं डेफ्थ में ये सब डिज़ाइनिंग एक्सप्लेन नहीं करूँगा, उम्मीद करता हूँ आपको PHP वगैरह का नॉलेज होगा, jQuery का ठीक ठाक से, तभी आप वीडियो देख रहे होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कनेक्शन ले लिया, इसको आप ऊपर भी ले सकते थे टॉप में। फिर मैंने एक सेलेक्ट क्वेरी चला दी, स्टूडेंट से जो भी रिकॉर्ड है वो मुझे फेच कर दो, ठीक है। उसके बाद फिर मैंने एक वेरिएबल ले लिया, ठीक है। वेरिएबल में मैंने पास कर दिया MySQLi_query, उसमें कनेक्शन पास करना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज यू विल गेट एरर। और फिर मैंने ये पास कर दिया, ठीक है, ये वाला वेरिएबल। अब फिर वाइल लूप चलाना जरूरी, क्योंकि मेरे पास मल्टीपल रिकॉर्ड्स है। अगर आपके पास सिर्फ सिंगल रिकॉर्ड आपको प्रिंट कराना है तो वाइल की जगह हम लोग सिर्फ ये लिख सकते थे, ठीक है। इस तरह से ये काम चल जाता और इसकी भी मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है। तो अब मैं दिखा देता हूँ ये रन होता है कि नहीं विदाउट उसके, ठीक है। तो मेरे पास एक वैल्यू सिर्फ आ रही है, ठीक है, एक ही डेटा दे रहा है 184 का, जो एकदम टॉप में है। तो आपको समझ में आएगा कि वाइल लूप हमने यहाँ पे क्यों लगाया, क्योंकि मुझे मल्टीपल डेटा को फेच करना है, ना कि सिंगल रिकॉर्ड को, ठीक है। तो वाइल लूप अच्छे से अप्लाई कर देता हूँ। उसके बाद मैंने क्या किया है, एक TR टैग लिया है, TR टैग के अंदर एक TD टैग लिया है, ठीक है। तो मेरा TR जो टैग है यहाँ पर, ये एक TR टैग हो गया, ये दो TR टैग हो गया, ये तीन TR टैग हो गया, ये चार TR टैग, ये पांच और छह TR टैग। तो एक TR टैग के अंदर मेरे तीन TD है, एक दो तीन। दूसरा TR टैग में भी तीन TD, एक दो तीन, ठीक है। तो ऐसे TR में, एक TR में तीन टैग है, ठीक है। तो इस तरह से ये यहाँ पर अप्लाई हो रहा है लॉजिक, ठीक है। तो मैंने TR का एक ID ले लिया, ये ID मुझे काम आएगी, आगे मैं बताऊँगा, ठीक है। और उसके बाद ये सब नेम भी जो भी है मैंने यहाँ पर प्रिंट करा लिया। और यहाँ पे बटन का खेल देखते हैं कि बटन का खेल एक्चुअली है क्या। यहाँ पे बटन बना लिया है मैंने, क्लास उसको दे दिया है रिमूव, और नेम है रिमूव। नेम की कोई रिक्वायरमेंट यहाँ पे नहीं थी, क्योंकि जब हम लोग एजेक्स में काम करते हैं, jQuery में काम करते हैं, तो हमारा सारा का सारा काम लगभग क्लास नेम या तो ID नेम से चल जाता है। तो मेरे पास यहाँ पर क्लास नेम भी है और ID का भी नाम है। तो ID में मैंने क्या पास किया, ID में मैंने रो ID पास की है, ये पास किया, ठीक है, ये, ठीक है, क्योंकि इसी को मैं लेकर जाऊंगा, इसी ID को मैं लेकर जाऊंगा php.delete.php में लेकर जाऊंगा। कैसे लेके जाएंगे देखते हैं। अब आते हैं, नीचे आते हैं, देखते हैं कि इसका क्वेरी जो है, जावास्क्रिप्ट का कोड जो हमने कैसे किया, jQuery का कोड कैसे किया, ठीक है। jQuery भी जावास्क्रिप्ट ही है, ओके। तो अब हम लोग आते हैं कि मैंने यहाँ पर डॉक्यूमेंट रेडी कर लिया, जो कि एक नॉर्मल अपने का प्रोसीजर है jQuery का। उसके बाद मैंने क्या किया, अगर मेरा बटन क्लिक होता है, कौन सा बटन, ये वाला बटन क्लिक होता है, तो उसको पता कैसे चलेगा कि यही बटन क्लिक हुआ है। तो उसके लिए हमने क्लास का नाम यहाँ पर ले लिया है। अगर यहाँ पे आप ID के थ्रू गेट करते, जैसे इसका नाम मान लो ID होता, तो यहाँ पर आप ले लेते हैश ले लेते, ठीक है। बट यहाँ पर है मेरे पास क्या है, क्लास नेम है। तो क्लास नेम को एक्सेस करने के लिए आपको डॉट की ज़रूरत पड़ेगी, और अगर आपके पास ID है तो हैश की ज़रूरत पड़ती है। क्लिक, उसके बाद कॉल बैक फंक्शन आ गया, फंक्शन चला दिया। उसके बाद एक वेरिएबल ले लिया,
वेरिएबल में यूज़र आईडी मैंने ले लिया, ठीक है आप कुछ भी ले सकते हो बट रिलेटेड नेम रहे तो बेहतर है। उसका दिस मैंने चला दिया जो कि इसको रेफ़र कर रहा है, ठीक है। तो उसके बाद दिस के बाद मैंने बताया डॉट एट्रीब्यूट। अच्छा ये एट क्या है, ये है एट्रीब्यूट है आपका। एट्रीब्यूट मतलब क्या होता है, जैसे मेरे पास ये बटन है या ड्यू टैग है, पी टैग है, एच टैग है, कोई भी टैग हो उसमें कई सारे एट्रीब्यूट आपके हो सकते हैं। यहाँ पर बटन के पास मेरे कई सारे एट्रीब्यूट हैं, आपको दिखाता हूँ। पहला एट्रीब्यूट है मेरा क्लास है, उसके बाद नेम है और आईडी है, और भी कई सारे एट्रीब्यूट हो सकते हैं, रिक्वायर्ड है या प्लेस होल्डर है, बहुत सारे हो सकते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास तीन एट्रीब्यूट है, क्लास, नेम और आईडी। तो मुझे कौन सा एट्रीब्यूट को एक्सेस करना है, मुझे आईडी को एक्सेस करना है क्योंकि ये आईडी मैं भेजूँगा किसको, डिलीट डॉट पीएचपी में। अच्छा ये आईडी में आ क्या रहा है वो भी हम लोग एक बार देख लेते हैं। चलो मैं इंस्पेक्ट एलिमेंट करता हूँ, ओके कहाँ गए बटन, ठीक है 184 आ रहा है, एक सेकेंड। देखिए मेरे पास फिलहाल कितने टी आर टैग हैं, यहाँ पर 5 से 6 TR टैग आ रहे हैं जो कि दिख रहा होगा। अब हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे भी 185 आ रहा है जो कि ये ऊपर मैंने प्रिंट करा है ऊपर वाला, ठीक है। अब देख लेते हैं बटन की आईडी क्या मिल रही, मुझे बटन पे आईडी क्या मिली, 184 मिली, 184 पे 186 का देख लेते हैं बटन, देख लेते हैं इसका, ठीक है 186 मिल रहा है, ओके। तो इस तरह से ये काम कर, तो ये आईडी मुझे गेट कर लिया मैंने यहाँ पर, और ये अलर्ट तभी दिखा रहा था जैसे यहाँ पर रिफ्रेश करता हूँ एक बार पेज को, ठीक है 184। अब यहाँ पे 186 को मैं टारगेट करता हूँ, 186, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने अलर्ट करा दिया जिससे ये पता चले कि हाँ आप सही रो को आईडी के थ्रू डिलीट करने के लिए जा रहे हैं। उसके बाद एजेक्स कॉल यहाँ पे चला दी मैंने, टाइप बता दिया पोस्ट है, URL डिलीट डॉट पी एच पी। यहाँ पर जाके सारा का सारा जो मेरा एक्शन होगा जो डेटाबेस से उस रिकॉर्ड को डिलीट करेगा इस पेज पे हो जाके हम लोग करेंगे। उसके बाद डेटा आता है, डेटा क्या करना पता है, जैसे आपको क्या क्या डिलीट करना है, कितने रिकॉर्ड्स डिलीट करना है। रिकॉर्ड्स मतलब जैसे आपके पास मल्टीपल टेक्स्ट फील्ड है, नेम है, स्टूडेंट नेम है, क्लास है, फ़ोन नंबर है, तो आप डेटा में आके उसको एक्सेस उसको आके असाइन कर सकते हो। तो यहाँ पर मैंने क्या कर लिया, यहाँ पे यूज़र आईडी में मैंने आईडी अपना गेट कर लिया, यहाँ पे मैंने अलर्ट करा दिया। अलर्ट की कोई ज़रूरत नहीं है, आप चाहे तो नहीं भी कर सकते, चलो मैं इसको बंद कर देता हूँ। यूज़र आईडी को मैंने यहाँ पे ले लिया और उसको वेरिएबल, इस वेरिएबल में असाइन कर लिया, और ये जो वेरिएबल है आपका जाएगा डिलीट डॉट पी एच पी में, ना कि ये जाएगा, क्योंकि ये जो यूज़र आईडी है ये यहाँ पर स्टोर हो चुकी है। तो डिलीट आईडी जाएगी आपकी डिलीट डॉट पी एच पी में जाएगी, ठीक है। उसके बाद सक्सेस के बाद एक फंक्शन है, ये मैं अभी डिस्कस करूँगा, तो पहले हम लोग चलते हैं डिलीट डॉट पी एच पी में, इसको गेट करते हैं, ठीक है। तो पहले मैंने कनेक्शन सेट कर लिया, उसके बाद मैंने क्या किया, डॉलर डिलीट आईडी का एक बना लिया वेरिएबल, आप कुछ भी नहीं देख सकते थे। तो मैंने यहाँ पे जो ये जो मिल रहा है ना मुझे डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट डिलीट आईडी, ये यहाँ से मिल रही है ये वाले, ठीक है। अगर मैं इसको कुछ भी ऐसे ऐसे दे दूँ तो वो नहीं चलेगा, तो यही मुझे यहाँ पे कॉपी करके रखना पड़ेगा इस तरह से, तब वो चलेगा, ठीक है। तो आप समझ गए, ये जो आइटम है, ये जो वेरिएबल है, ये सेम होना चाहिए, ठीक है, ये और ये सेम होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या किया, एक वेरिएबल ले लिया है, उसका डिलीट का क्वेरी चला दिया है, ठीक है। डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट वेयर आईडी इज इक्वल टू, ये जो आईडी मिल रही है अगर एग्जिस्ट करती है तो वो आगे का क्वेरी चला देगा, ओके। अगर वो मिलेगी नहीं तो वो एरर फेंक देगा, ओके। तो इस तरह से डिलीट का क्वेरी काम कर रहा है, और इसमें हाँ ये कंफर्मेशन मैसेज है, अगर सही है तो इको करा देगा, अदरवाइज वो एरर फेंक देगा, ओके। फिर आते हैं इंडेक्स डॉट पी एच पी में, ठीक है सक्सेस। अगर फंक्शन में हमने डेटा प्रोवाइड कर दिया, इसकी फ़िलहाल नीड नहीं थी, फिर भी आप दे सकते हो। यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट को ओपन किया, इफ़ का एक कन्फर्मेशन मैसेज किया जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ठीक है। सॉरी पेज को मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ, आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट इट, ठीक है। ये यहाँ से मुझे यहाँ से मिल रहा है, ठीक है, और उसके अंदर ये मैंने पास कर दिया। अब खाली कन्फ्यूजन ये होगा कि ये क्या है एक्चुअली, ठीक है। तो ये जो आइटम है ना दोस्तों, ये जो कोड है ना, ये डिलीट कर रहा है इस रो को यहाँ से डिसअपियर कर रहा है, बट ये जो कोड है ना, ये डेटाबेस से कभी डिसअपियर नहीं करेगा, क्योंकि ये सिर्फ जेक्वेरी का एक कोड है। ये आपको यहाँ से सिर्फ फ्रंट एंड से हटाएगा, और बैक एंड से हटाने के लिए हमने क्या किया है, हमने यहाँ पे डिलीट का डिलीट डॉट पी एच पी में डिलीट का क्वेरी मारा है। तो ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं,
ठीक है, तो ये इसलिए हम लोग मैंने यूज़ किया कि कई बार हम लोग क्या करते हैं जब आइडिया नहीं रहता है, यहाँ पे फेच का क्वेरी वगैरह लगा के पूरा का पूरा कोड बड़ा कर देते हैं। तो ये एक शॉर्टकट पेस है, यहाँ से मैंने इस रो को हटा दिया। ठीक है, अब हम लोग ये देखेंगे कि अभी जैसे अगर मेरा समझ लो कि मैं क्या करूँ, अगर मैं डेटाबेस से कोई कम्युनिकेशन नहीं करता हूँ तो भी यहाँ से ये रो चला जाएगा। ठीक है, मैं बताता हूँ कैसे। चलो हम लोग यहाँ पे ना इसको इस तरह से कर देते हैं। ठीक है, उसको कोई आईडी मिलेगी नहीं, नहीं तो मैं इसको यहाँ से हटा ही देता हूँ। ठीक है, देखते हैं तो क्या काम होता है। अब 187 है, मैं इसको डिलीट करता हूँ। ठीक है, डिलीट हो गया, पर वो डेटाबेस से डिलीट नहीं होगा, 187 अभी भी है। अब मैं इसको रिफ्रेश करूँगा तो फिर आ जाएगा। फिर एक बार 187 को डिलीट करता हूँ, ये चला गया, पर रिफ्रेश करेंगे तो फिर चला गया। फिर एक बार 189 को डिलीट करते हैं, 189 को सबको डिलीट कर देते हैं। ओके, तो आपको लग रहा होगा अरे यार तो सब डिलीट हो गया, डेटाबेस से भी डिलीट हो गया होगा। देख लीजिए, डेटाबेस से बिल्कुल डिलीट नहीं हुआ है, यहाँ पे वापस रिफ्रेश करो फिर से आ गया। ठीक है, तो ये कमाल क्यों हो रहा है, ये कमाल इसके थ्रू हो रहा है। ठीक है, इस कोड के थ्रू हो रहा है। मैंने क्या बताया कि ये जो यूजर आईडी है ये वाली, ठीक है, जो डेटाबेस से आ रही वो नहीं, ये जो करंट मुझे फ़िलहाल मिल रही है यहाँ से, इस रो से जो मुझे मिल रही है, ठीक है, ये वाली आईडी, दोनों सेम ही है, ये आईडी एक्चुअली सेम ही है। तो उसको मैंने वेरिएबल में पास करा लिया, तो वेरिएबल को मैंने यहाँ प्रिंट करा दिया और बोला कि TR में जाके उसको रिमूव कर दो, रिमूव के थ्रू, रिमूव फंक्शन के थ्रू उसको रिमूव कर दो अगर वो बटन क्लिक होता है तो, जिस बटन के सामने जो रो रहेगा वो डिलीट हो जाएगा। ठीक है, वापस से डिलीट करते हैं तो डिलीट हो गया यहाँ पे। तो आपको समझ में आएगा कि दोनों का अलग अलग काम है। ठीक है, तो ये फिलहाल फ्रंट एंड से इसको रिमूव करेगा, डेटाबेस से डिलीट नहीं करेगा। ठीक है, ये जो कोड है ना, ये डेटाबेस से ये डिलीट नहीं करेगा। ये क्या है, इसलिए मैंने किया है कि अगर डेटाबेस से मेरा रिकॉर्ड डिलीट होता है तो वो फ्रंट एंड से भी डिलीट हो जाए। ठीक है, अब इसको मैं हटा देता हूँ। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, ओके करता हूँ। अब देखते हैं, अब यहाँ से 187 है, मैंने डिलीट किया। ठीक है, कोई असर हुआ, नहीं हुआ। अब यहाँ पे चेक करते हैं, एक मिनट, कुछ तो इश्यू हो गया, मैं चेक कर लेता हूँ एक बार। इसको सेव नहीं किया, अच्छा ये चेंजेस जो किया था। ठीक है, अब वापस आते हैं। अब देखिए 187 को मैं डिलीट करता हूँ, कोई फ़र्क पड़ा नहीं, यहाँ पे देखिए 187 डिलीट हो गया। अब यहाँ पे तो ऐसे ही, अब रिफ्रेश करूँगा तो 187, अब रिफ्रेश करने के बाद गया, बट मुझे क्या है, विदाउट रिफ्रेश किए हुए डेटा चाहिए था ना। अभी डिलीट करूँगा, कुछ फ़र्क पड़ा नहीं, अभी डिलीट करूँगा, कुछ फ़र्क पड़ा नहीं। ठीक है, ऐसे के ऐसे ही सामने दिख रहा है, बट बैकेंड से जाके देखो तो ऑलरेडी आपका डेटाबेस का टेबल जो एम्प्टी हो चुका है। तो वो इसीलिए, तो मैंने क्या किया, PHP का जो डिलीट है ना वो बैकएंड से डिलीट करेगा और ये जो लाइन है ना ये आपका फ्रंट एंड से भी उस डेटा को हटा देगा। तो इसलिए ये कोड यहाँ पर लिखा मैंने, तो दोनों का अलग अलग काम है। वो delete.php बैकएंड से हटाएगा और ये फ्रंट एंड से उसको रिमूव कर देगा। ठीक है, तो फिलहाल कुछ भी नहीं दिख रहा था। तो इस तरह से हम लोग jQuery से AJAX के टेक्निक से डिलीट कर सकते हैं कोई भी पर्टिकुलर रिकॉर्ड, चेकबॉक्सेस है, मल्टीपल डेटा है, जैसे भी है आप इस तरह से कीजिए, आपको काफ़ी इजी पड़ेगा। तो दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।